तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल का जो डायलर होता है, या फिर बोल सकते हैं गूगल की जो फोन ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ उसका जो पूरा इंटरफेस या बोल सकते हैं पूरा जो लेआउट है या यूआई है, पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अगर आपने अपने मोबाइल में गूगल फोटो गूगल फोन डायलर को ऐप को यूज करा है, या फिर बहुत सारे लोग हैं जिसके मोबाइल में ये गूगल फोन डायलर प्री इंस्टॉल्स आता है, दोस्तों उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि नए अपडेट के साथ बहुत ही शानदार नए फीचर उसमें जोड़े गए हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि हम बताया, मैं आपको बता रहा हूँ फोन डायलर के नए अपडेट के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या जाना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने गूगल फोटोज डायल गूगल फोन डायलर ऐप को अपडेट कर लेना है। मेरे पास ये बीटा वर्जन है, अगर आपके पास बीटा वर्जन नहीं है, हो सकता है आपको ये फीचर नहीं मिले, या हो सकता है आपको मिल गया, क्योंकि सबसे पहले ये जो फीचर है पिक्सल मोबाइल्स में लॉन्च हो चुके थे, उसके बाद अब धीरे धीरे बीटा वर्जन पे आया है नॉर्मल यूजर के लिए, और उसके बाद नॉर्मल सबके लिए आ जाएंगे। तो उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो डायलर वाला ऐप दिखेगा सेम ऐसे ही दिखने वाला है। अगर आपके पास प्रीवियस इंस्टॉल्ड है तो आपके पास भी यही दिखेगा। मेन चीज उसमें नया चेंजेस, आप यहाँ पर किसी को कॉल लगाएंगे तो कॉल करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले अलग ही आपको नीचे यूआई मिल गया होगा। नीचे आपको अलग से चार टैब मिल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर बॉक्स बनाए जाते थे, बट अब आपको सब नीचे की तरफ मिल रहा है। कीपैड, म्यूट, फोन डायलर और मोर। फोन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्पीकर और हेडफोन पे करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो फोन जो मोर वाला ऑप्शन होता था पहले आपको ऊपर मिलता था, बट अब ये मोर वाला ऑप्शन नीचे मिल रहा है। आप जैसे इस मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर तीन पॉपअप और खुल जाएंगे, हो सकता है तीन फीचर और ऐड ऑन हो जाएंगे, होल्ड का, वीडियो कॉल का और ऐड कॉल का, जो कि पहले आपको वहां पर उसमें नोटिफिकेशन में आता है, सब आपको यहीं मिल जाएगा। ये फीचर भी कमाल के यहाँ पर एड ऑन कर दी गया, जिससे आप बहुत इजीली बहुत क्विकली अपनी एक्टिविटी को कर पाएंगे फोन डायल करते टाइम। इसमें और एक कमाल की चीज़ और ये है, अगर आप कीपैड को ऑन करते थे फोन डायल पे तो नीचे के ऑप्शन सब हट जाते थे, या बोल सकते हैं जो ऊपर ऑप्शन आते थे सब हट जाते थे, हमें बार बार मोबाइल को होल्ड करना, म्यूट करना, तो बार बार हमें बैक आना पड़ता, बट अब ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहीं पर दे दी गई है। आप कीबोर्ड टाइप करते टाइम भी कीपैड में टाइप करते टाइम म्यूट कर सकते हैं, अपना स्पीकर हेडफोन सब पे चेंज कर सकते हैं, और मोर ऑप्शन भी यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं। तो ये नया फीचर इसमें एड ऑन किया गया है, यही नया यूआई है फोन डायलर ऐप में, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ में एक चीज और की गई है यहाँ पर, कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो उसका डायलर का भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, सिंपल यहाँ पर लिखा था, बट यहाँ पर अब कलर में आ रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको रेड कलर में डिक्लाइन का ऑप्शन आ रहा है, और आंसर के लिए आपको ग्रीन में आ रहा है। तो यहाँ पर भी कलर का ऑप्शन एड ऑन कर दिया गया है। तो यही नए फीचर एड ऑन किए गए हैं गूगल फोन डायलर ऐप में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।